क्या हुआ है गाड़ी में? इसमें से केटली कन्वर्टर निकाल दिए, इसमें से व्हाइट गोल्ड निकलता है जिस वजह से लोग इसको निकाल लेते हैं। कितने का है केटली कन्वर्टर? ओरिजिनल लेंगे तो तकरीबन 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का कैथलिक कन्वर्टर। कैथलिक चेक कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल ये खाली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की जाली इसकी बिल्कुल फाड़ चुके हैं, किसी ने फाड़ लिए, चोरी कर लिए। दिखाओ। हाँ, ये जो नजर आ रही है ना, ये जाली व्हाइट गोल्ड है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट की तो पता चला कि किसी मैकेनिक ने बहुत ही घटिया और नीच हरकत कर दी है, मेरी गाड़ी की कैथलिक निकाल दी है, कैथलिक कन्वर्टर जिसको कहते हैं। तो ये लेके शिकायत में अपने भाई के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है गाड़ी में? इसमें से कैथलिक कन्वर्टर निकाल दिए, कैथलिक कन्वर्टर, और मुझे तो पता भी नहीं था इसकी कीमत। ये कितने का है कैथलिक कन्वर्टर? ओरिजिनल लेंगे तो तकरीबन 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का कैथलिक कन्वर्टर। लोग ये, अच्छा ये लोग निकालते क्यों है कैथलिक कन्वर्टर, इसके अंदर क्या होता है? इसमें से बेसिकली इसमें से ना व्हाइट गोल्ड निकलता है जिस वजह से लोग इसको निकाल लेते हैं सेल आउट करने के लिए। व्हाइट गोल्ड? तो भाई सुना आपने, ये कैथलिक कन्वर्टर के अंदर व्हाइट गोल्ड होता है। आप लोग अपने कैथलिक कन्वर्टर की जो है बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो मेरा ख्याल उसने अपनी माँ का जहेज बनाना होगा है जिसने ये निकाला है, है ना? तो भाई क्या बोले यार, बद्दुआएं देने का दिल कर रहा है। तो ये भाई हमें मिले और ये डालेंगे अब कैथलिक कन्वर्टर। कितनी देर का काम है? तकरीबन 1 घंटे में आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का काम है और पूरा दिन आपके भाई का खराब हो गया, वीडियो बनाने जाना था वो भी रुक गया, तो मैंने बोला यही वीडियो बना लो। तो ये कहने का मतलब ये कि अपने अपने कैथलिक कन्वर्टर की हिफाजत खुद करें। 50,000 रुपए की चीज भाई, कितने की है? 50,000 रुपए हैं? 50,000 रुपए। ये मेरी चाय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची वालों का एक रिवायती भाई जो स्टाइल है ना ये चाय का, आओ दो। ये पुराना वाला है जो मेरी गाड़ी में से निकला है? जी जी, ये आपकी गाड़ी में से निकला। अच्छा, अभी इसको आप अलग करके देख रहे हैं कि निकाला या नहीं निकाला कन्वर्टर है? जी जी जी। और अभी ये अंदर से इसको निकाल के देखेंगे कि मेरा कैथलिक निकला हुआ है कि नहीं, चोरी हुआ हुआ है कि नहीं, अभी इनको शाप हो जाएगा इसके बाद। और अब कैथलिक मेरे बंदे ने हाथ में पकड़ ली, अब वो बताएगा कि निकला है कि नहीं। हाँ भाई, कैथलिक चेक कर रहे हैं और इसमें बिल्कुल ये खाली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की जाली इसकी बिल्कुल फाड़ चुके हैं, किसी ने फाड़ लिए, चोरी कर लिए, जिस वजह से इसकी गाड़ी की एवरेज और साउंड और पिकअप वगैरह काफी। कैथलिक अंदर नहीं है जी, बिल्कुल खाली किया उसने, सिर्फ जाली नहीं फाड़ी है, कुछ और भी फाड़ दिया है जो अभी मुझे थोड़ी देर में पता लगेगा बिल मेरा कितना बन रहा है। चल यार डाल अपने पास से कोई कैथलिक डाल दे। क्या बोले, काबली डालेगा, जेन्युइन डालेगा, कौन सी डालेगा? अच्छे वाला डाल दे मैं। कौन सा? थाईलैंड का? थाईलैंड का, थाईलैंड का डाल दूंगा। साउंड वगैरह सब अच्छा हो, बस सही है। ये देखिए चश्मा पहन के सुनील शेट्टी लेटा हुआ है माशाल्लाह। हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। ओके जानू, आई लव यू, जल्दी कर दे बस। कबीर सिंह बना हुआ है, बोल है यार। ये कैथलिक कन्वर्टर दिखाना तो किस बला का नाम है? इसका नाम है कैथलिक कन्वर्टर। इसका क्या काम होता है बेसिकली गाड़ी में? बेसिकली आपकी गाड़ी की फ्यूल माइलेज और गाड़ी के पिकअप में काफी रिस्पॉन्स देती है और एनवायरमेंटल भी अच्छा होता है। एनवायरमेंटल बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको जापानी लगा के देते हैं कि गाड़ी में जो पोल्यूशन निकलती है उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन हम पाकिस्तानी कौन उसको तोड़ देती है। अपने एनवायरमेंट का ख्याल नहीं करते हैं, एनवायरमेंट का ख्याल नहीं करते। तो भाई कहने का मतलब ये है कि ये जो कैथलिक कन्वर्टर होता है ये आपके एनवायरमेंट को भी अच्छा रखता है। अगर ये आपकी गाड़ी में ना हो तो जहरीली गैस आपकी गाड़ी से निकल सकती है और किसी के भी अंदर घुस सकती है। तो ये हमारे अपने बच्चों के अंदर ना घुस जाए, समझ रहे हैं? तो इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करें, अपने एनवायरनमेंट को अच्छा करें और चोर मैकेनिकों से परहेज करें, बगैरतों से। आप खड़े हो जाएं, वहाँ खड़े होकर अपना काम कराएं, घर पे ना जाएं, समझ रहे हैं जी? लगा दे जानू, तुझे नहीं बोल रहा, तू तो अच्छा वाला जानू, आई लव यू। और उसके अंदर कहाँ जाली होती है? इसके अंदर बिल्कुल दिखाओ। हाँ, ये जो नज़र आ रही है ना, ये जाली वाइट गोल्ड है। जब ये पेट्रोल हमारा इसमें से आगे गुजरता है, पेट्रोल के कार्बन इसमें, वो व्हाइट गोल्ड बनाते हैं। वो व्हाइट गोल्ड बनाता है सारी हमारी जो पेट्रोल के अंदर से इसकी केमिकल निकलते हैं उससे व्हाइट गोल्ड बनता है, उससे व्हाइट गोल्ड बनता है बिल्कुल। बस ठीक है यार, जल्दी डाल दे भैया। क्या हाँ उस्ताद जी, कितना टाइम लगेगा? उस्ताद जी कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 40 मिनट, 1 घंटा लग जाएगा। 40 मिनट, 1 घंटा, उसके बाद गाड़ी बिल्कुल शोरूम हो जाएगी इंशाल्लाह। आपकी कितना टाइम है? हो गया आपकी गाड़ी हो गया जी जी, आप गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी, स्टार्ट। अब तो आवाज नहीं आएगी गधे की, इंशाल्लाह नहीं। स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करें, तुम्हारी कसम इंशाल्लाह। बात चल रही है, आ जा भाई, आ जा। जिम विम जाते हो क्या? जी बिल्कुल। दिखाओ जरा, ये साइड से उठाओ जरा, ये वाह 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 वाह,
यार तुझे देख के मोटिवेशन हो गई, मैं भी जाऊंगा भाई। अभी खोलूं कैसे दरवाजा? भाई चलेंगे साथ। हैं दोनों भाई साथ चलेंगे, फीस तू देगा मेरी, ठीक है? दे दूंगा। वाह वाह, अभी खोल तो कैसे खोलूंगा, जानू हटियो जरा। कैथोलिक अपनी जेब में रख लूं, कैसे बचाऊं इसको, वो कोई मुझे सीक्रेट बता। इसके कैथोलिक को सेव करने का तरीका यही है, जब भी आप मैकेनिक के पास गाड़ी छोड़े तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आप गाड़ी से दूर जाए ही नहीं, क्योंकि इसमें गाड़ी में कैथोलिक के अलावा भी काफी पार्ट ऐसे हैं जो मैकेनिक निकाल सकते हैं, जिससे आपको काफी नुकसान हो सकता है। नमूना आपने देख लिया? नमूना मैंने देख लिया और नमूने गिरी हो गई। दूसरा ये अगर कैथोलिक को आपको सेफ करना चाहते हैं तो जब भी मैकेनिक के पास गाड़ी खड़ी करें तो उसे यही कहेंगे यार कैथोलिक मैंने नया डलवाया है, वो उस कीमत को जानता है, वो उस कैथोलिक को आपको छेड़ेगा नहीं। पहले से होशियार कर दो, पहले से उसको होशियार कर। तो भाई आपने जब भी गाड़ी बनवाने जाना है तो मैकेनिक को पहले से होशियार कर देना है कि बेटा कैथोलिक को न छेड़ी, तो ये इससे वो होशियार हो जाएगा, ठीक है? चले हम गाड़ी की ट्राई लेके देखें। ले ट्राई? जी बिल्कुल ट्राई, हमारी कसम। अच्छा जी यार, गाड़ी अभी तक तो बहुत सुन लग रही है मुझे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, एसी 100% तो नहीं करेगी ना? नहीं इंशाल्लाह नहीं आएगा। वो जो आवाज आ रही थी ना, वो जो साइलेंसर जैसे फटा हुआ होता है उसकी एक आवाज आती है, वो आवाज नहीं आ रही है? नहीं इंशाल्लाह नहीं आ रही है। एक बात होता, बिल कितना बन गया होगा? बिल तकरीबन 50,000 रुपए। इंसान बन यार, लगता नहीं है तो क्या हुआ, ये काम नहीं कर यार। अभी खैर वीडियो बंद करते हैं और जरा एक रिजल्ट तय करते हैं, एक जरा बजट तय करते हैं कि कितना बजट आया है इस पर। गाड़ी तो काम से तो मैं बेफिक्र हूँ, बस मुझे प्राइस से भी बेफिक्र हो जाए, यकीन कर मैं तेरे पास आऊंगा। एसी का काम होगा तब भी तेरे पास आऊंगा, हालांकि एसी का तू नहीं काम करता, लेकिन मैकेनिकल काम होगा तब भी तेरे पास आऊंगा। और गाड़ी मुझे सेल परचेज करनी होगी, मैं जब भी तेरे पास आऊंगा, समझ रहे? ये लालच देते हैं हम लोग मैकेनिक को कि मैं तुम्हारे पास से ये सारा काम करवाऊंगा, है ना? जी बिल्कुल। बस चलो ठीक है, अभी पैसे तय करते हैं, ठीक है? तो ये भाई कैथोलिक का काम हो गया है, और अब ये है कि मैं एटीएम लगाने आया हूँ, कैश नहीं था मेरे पास, तो तकरीबन 25,000 रुपये लगे मेरे ऑलमोस्ट। और देखें मैं अभी इसको कैश दूंगा और फिर टाटा बाय बाय, हम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। और कब से गया हुआ यार बंदा, हैं? 10 मिनट हो गए। एक तो समझ नहीं आता कि लोग एटीएम पे अंदर जाके पतली पबजी खेलने लग जाते हैं, क्या करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं एटीएम पे। हम तो यकीन करें 10 सेकंड में वापस आए थे एटीएम लगा के। और ये बाय द वे थोड़ा कलेक्शन भी आप देख सकते हैं। अबे यार आपस की बात है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये कलर मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, अंकल एक मिनट इधर आइएगा अंकल, इसका क्या मांग रहे हैं? इसका कितना? ये कितने का है? 250। ये मेरे आ जाएगा कमर में है? आ जाएगा, ये मेरे आ जाएगा। तो हो सकता है भाई मैं ये वाला चड्डा लेके जाऊँ। यार बंदा आया नहीं आया एटीएम से? आ गया। भाईजान यार इफ यू डोंट माइंड, मेरी बारी है, मैं काफी देर से खड़ा हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बस ठीक है, पर मैं यूं गया, बस यूं आया, ठीक है? हाँ भाई पैसे पूरे हैं जी भाई, है ना? कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं कोई शिकायत नहीं है ना? और अगर कोई भाई कहा तो नहीं, कोई बुरी लगी हो तो भाई? नहीं, हम क्या कर सकते लग रहे तो भाई, हम तो नहीं सुधर सकते ना, आप हमारे भाई हैं, आपकी बात कहां में बुरी लगेगी? सही है, बस आपको दुकान पे छोड़ दूं बस, ठीक है चलिए।